अधीनस्थ कर्मचारी के तबादले के बाद उसे तबादले की नोट शीट देने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत की मांगने वाले सावनेर पंचायत समिति के सहायक प्रशासन अधिकारी योगेश अशोक संगेवार निवासी राउत लेआउट गार्डन के पास झिंगाबाई टाकली नागपुर को मंगलवार की दोपहर एसीबी के दस्ते ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी पूर्व में पंचायत समिति सावनेर में वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। हाल ही में उसका नागपुर तबादला हुआ था। तबादले के स्थान पर पदग्रहण के पूर्व उसे सावनेर कार्यालय से तबादले नोटशीट की आवश्यकता थी। उक्त कर्मचारी ने पंचायत समिति सावनेर के सहायक प्रशासन अधिकारी योगेश संगेवार के पास आवेदन देकर उपयुक्त नोटशीट की मांग की थी। इस काम के बदले संगेवार ने 5,000 रुपयों की मांग की। कर्मचारी की रिश्वत देने इच्छा नहीं होने से उसने इसकी शिकायत एसीबी कार्यालय नागपुर में की। पुलिस उप विभागीय अधिकारी संदीप जाधव ने पहले इस शिकायत की जांच कर आरोप की सत्यता को परखने के बाद एचसी प्रवीण पड़ोडे पंकज घोड़के लक्ष्मण परतेकी सदानंद सिरसाट आदि के साथ एक टीम बनाकर मंगलवार की दोपहर 3 बजे के करीब पंचायत समिति सावनेर में दबिश देकर आरोपी योगेश संगेवार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संगेवार को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।